नए ब्लॉग में। अभी सुबह का 6 बज गया है भाई और हम जस्ट रायगढ़ से पीछे हैं, रायगढ़ से मोटा मोटी 5-7 किलोमीटर पीछे हैं। ठीक है, हमको जो लोकेशन मिला था ना तो उसमें पता चला था कि कोरबा जाने में आपको नो एंट्री नहीं मिलेगा, लेकिन जब यहाँ आए हैं तो बॉर्डर में हम पता किए साहब से, तो बोला भाई नो एंट्री लग जाता है सुबह 6 बजे। ठीक है, और फिर उस्ताद लोग से पता किया तो बोला कि 8:30 बजे सुबह में खुल जाता है, 6 बजे लगता है, 8:30 बजे सुबह खुलता है। तो इसलिए भाई यहीं रुक गए हैं होटल में, अब काहे ले रिक्स लेने जाए भाई। अब जगह पे वो कहावत हो जाएगा ना, पूरा खीरा खा के मुंडी तीता वाला। अब पूरा हम भाग गए हैं और 100-150 किलोमीटर और जाना है, उसके बाद मालूम पड़ेगा, नो एंट्री में हमको फाइन देना पड़ेगा। भाई देखिए टोल टैक्स कटा के, और इधर में ही होटल है, चाय नाश्ता का होटल है, यहीं पे रुके हैं, गाड़ी साइड में कर दिया है, चलते हैं चाय वगैरह पी के उसके बाद में फिर निकला जाएगा भाई। अब 8:30 बजे का नो एंट्री खुलता है, वही 8:15 बजे यहाँ चलेंगे। देखिए नया रोड में ना भाई यही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जानकारी पूरा रहता नहीं है। अब जो ड्राइवर लोग आगे आगे जा रहा था उससे पूछे तो बोला कहीं कोई नो एंट्री नहीं है, एकदम सीधा जाना आपको रायगढ़ बाहर बाहर, लेकिन बाहर से भी जाने में नो एंट्री लगता है। हालांकि ये सुबह 6 बजे लगाता है और 8:30 बजे नो एंट्री खोल देता है। तो लाइन में लगे हुए हैं, देख सकते हैं मैकेनिकल हमारा कट गया भाई। मैकेनिकल हमारा यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मैकेनिकल ना मंथली चलता है, मतलब अगर मई में कटाए तो मई भर ही चलेगा, 1 जून को फिर से नया कटाना पड़ेगा। और हम लोग का BS6 गाड़ी का ना 4,000 रुपया का मैकेनिकल है भैया, देख सकते हैं, देखिए 4,000 रुपया। ठीक है, ये आज कितना तारीख है, 22 तारीख, सिर्फ 8 दिन के लिए है ये। 8 दिन के बाद में अगर 8 दिन तक फंस गया, 8 दिन के बाद निकलेगा ना छत्तीसगढ़ से, तो फिर 4,000 का कटाना पड़ेगा। चलिए फिर क्या कर सकते हैं, तो भाई नो एंट्री का लाइन में हम लगा दिए हैं गाड़ी, ये देख सकते हैं इधर पूरा टोटल ना नो एंट्री का लाइन लगा हुआ है। तो यहीं पे देखिए चाय दुकान है भैया का, चलते हैं भाई अपन चाय पीने के लिए। ठीक है, उसके बाद आएंगे, आम दिन का बचा हुआ है उसी को खाना है। कहा मुनाजिर जी, मुनाजिर चलो, सामने में दुकान है। क्या हो गैया लोग खड़ी है, मारेगे नहीं ना भैया, मारना मत भाई, कुछ नहीं बिगाड़े हैं। बच गया नाव और भैया हम नो एंट्री से निकल गए हैं, एक कोरबा रोड पकड़ लिया है, खरसिया, एक खरसिया होते हुए जाएंगे चंपा, और चंपा से फिर मारेंगे राइट। लोकेशन तो पार्टी हमारे पास भेज दिया है, तो यहाँ से 105 किलोमीटर और दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन ये दिखा रहा चंपा से पहले वाला, अगर चंपा होके जाएंगे ना तो फिर 30 किलोमीटर बढ़ जाता है लोकेशन में, लेकिन हमको जाना है चंपा होके ही। पार्टी बोला है चंपा होके आइएगा, इधर से आने से गाड़ी फंस जाएगा, इसलिए भाई चंपा होके जा रहे, तो ठीक है अभी निकल गए भाई। दिन का बज गया है 1:30 और हम भाई पहुंच गए अपना जगह पे, ये देख सकते हैं सेंट्रल स्टोर, केंद्रीय भंडार, इसी का माल है जी। ठीक है, गए हैं मुनाजिर भाई पेपर जमा करने, पेपर वगैरह जमा करके फिर गाड़ी अंदर होगा कि क्या होगा, देखते हैं कब तक खाली होता है, खाली करके निकला जाएगा कहीं के लिए। अभी पेपर लेके मुनाजिर भाई गए थे तो बोले कोई साहब आएंगे 2:30 बजे, उसके बाद में एंट्री होगा गाड़ी हमारा, तो तब तक यहाँ पे देख रहे हैं झोपड़ी वाला होटल है, चलते हैं खाना खाते हैं भाई, भूख लग गया बहुत कस के, चलिए पहले खाना खा जाए। चलो मुनाजिर, चलिए कुछ तो मिल जाएगा खाने के लिए, पेट भरे हैं बहुत, भूख लग गया बहुत कस के, खाना नहीं खाए जी टाइम पकड़ने के चक्कर में। के लेना है ले, मजा नहीं आएगा।
तो भाई साहब अभी बजिया शाम का 6, अब देख सकते हैं मौसम का नजारा ऐसा है भाई इधर का। यहाँ कल बारिश हुआ है, ठीक है, कल बारिश हुआ ना, तो यहाँ भाई लोग बता रहे थे कि करीब 45 मिनट तक बरसात हुआ और आज पूरा धूप कर दिया, तो उमस कर दिया है, जमीन से गर्मी निकल रहा है एकदम। हवा कंप्लीट देखिए नहीं चल रहा है, देख सकते हैं इतना सारा पेड़ पौधा कहीं पत्ता तक नहीं हिल रहा है एक भी, ठीक है। और ये देखिए सेंट्रल स्टोर है, इसी में हमारा गाड़ी अनलोड होगा, कहीं लगा दिए हैं आज हमारा अनलोड नहीं होगा, साहब मना कर दिए हैं, बोले कल अनलोड होगा सुबह सुबह। तो भाई आज हमारा खाना बन जा रहा है भिंडी का सब्जी और चावल, तो आज भिंडी का सब्जी हम बना रहे भाई बिना ब्रेक वाला सब्जी, इसको हम बिना ब्रेक का भी सब्जी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जब पानी डल जाता है ना तो बड़ा चिकना हो जाता है सब्जी, मतलब मजा आता है। ये बूढ़ा लोग को ना और बच्चा लोग को बहुत पसंद आता है, हम लोग को भी बचपन में बहुत पसंद आता था ये सब्जी, ठीक है। बहुत चिकना हो जाता है सब्जी, एक बार मुंह में डालिए ना तो चबाने का जरूरत नहीं है, गटक जाइए ऐसा था। तो चलिए चावल हमारा भाई बन गया, इधर देख सकते हैं सब्जी बन रहा है, सब्जी बनाया जाए जी, क्योंकि आज दिन में खाए ना भाई, दिन में खाए तो भले खाना तो खा लिए लेकिन बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन लूट लिया। चावल खिला के, चावल और सब्जी खिला के जी, 260 रुपये का बिल बना दिया दोनों भाई का हम लोग का, मेरा तो छिकनिया जाम हो गया, लेकिन चलिए अब खाना खा लिए थे तो क्या कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, खाना बनाते हैं भाई, उसके बाद में खाया जाएगा। यही कहा गया दोस्तों, भगवान का कोई मुड़ का ठिकाना नहीं है, देखिए अभी हवा भी नहीं चल रहा था और अभी इतना तेज अंधड़ तूफान बारिश हो रहा है ना, क्या बोले, देख सकते हैं पूरा पेड़ सबको लग रहा है कबाड़ के पी देगा, बारिश उतने ही तेज हो रहा है। ऊपर में हमारा खाना बना रहे थे मुनाजिर भाई, देख रहे हैं पेड़ सब, अरे बाप रे बाप रे, पूरा देखिए इधर लग रहा ना एकदम उखाड़ के कबाड़ का पेड़ को एकदम बिक देंगे। चलिए खैर गाड़ी में आ गए हैं, सब्जी बनाना बचा हुआ था वो भी बनिया गया लगभग, यह है कि मौसम अब ठंडा हो गया है, ठीक है ना, एक थोड़ा राहत हो गया कि मौसम को ठंडा कर दिया है, और थोड़ा हम तो सोच रहे हैं कि एक आध घंटा बरस जाना तो एकदम मौसम मजेदार हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी रात का बज गया 8 और खाना तो हमारा बन गया है भाई, तो खा लेते हैं, लेट करने से क्या फायदा है। देखिए तो आज हमारा सब्जी बना है भिंडी का और चावल, और साथ में एक कच्चा वाला आम एक बचा हुआ था, कच्चा गया ये तो पूरा पकने के बराबर आ गया, एक आध दिन और रहता ना तो पक जाता। लेकिन अभी ठीक है, तो इसका बना लेते हैं चटनी, कुच्चा, हम लोग कुच्चा बोलते हैं, इसमें रहता सूखा मिर्चा ना और लाजवाब लगता, लेकिन चलिए सूखा मिर्चा नहीं है कोई बात नहीं, हरा मिर्चा से काम चला लेंगे। और भाई बढ़िया एकदम तेल उल देंगे इसको ना, बनाएंगे एकदम मस्त, नमक उमक दे के मिर्चा उर्चा डाल के, बड़ा जबरदस्त लगता है। दोस्तों अभी खाना हमारा निकल रहा है भाई, ये देखिए कुच्चा अपना शानदार बन गया, कितना मस्त बना है जी कुच्चा। देख सकते हैं आप लोग, बस चावल इतना ही निकल रहा हूँ, चलिए दोस्तों तो खाना हमारा निकल गया है, इसको खाया जाए जी। ये आम का चटनी है ना, कच्चा आम का। ये अगर कटते भी रहेगा ना, दूर से भी देखिएगा तो मुंह में पानी आ जाएगा, ये सब ऐसा चीज है, इमली हो गया, कच्चा आम हो गया, ये सब चीज ऐसा है कि आप वीडियो भी देखिएगा ना इसका तो आप लोग का मुंह में पानी आएगा। पता नहीं, चलिए तो ठीक है खाना खाते हैं भाई। आप लोग भी कभी ना कभी खाए होंगे,
कुच्चा कौन कौन खाया है कमेंट में बताइएगा भैया, और कैसा लगता है कच्चा आम का। इसमें और भी वैरायटी डालता है लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है, जो था उसी में गुजारा चला दिए। इसमें सूखा मिर्चा रहता है, हर कच्चा मिर्चा की जगह सूखा मिर्चा और गजब लगता। तो ठीक है दोस्तों, अभी खाना का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों अभी सुबह का बज गया 8:30 और हमारा गाड़ी भाई अंदर हो गया स्टोर के अंदर में। ठीक है, कांटा वगैरह सब कुछ हो गया, देख सकते हैं स्टोर, सेंट्रल स्टोर यही है स्टोर जी। ठीक है ना, इधर ही लग रहा है प्लेट है तो रखा हुआ, इधर ही हमारा भी गाड़ी लग रहा है अनलोड होगा। तो चलिए, गाड़ी तो अंदर हो गया है, अब पेपर कांटा वगैरह हो गया, पेपर जमा करने गए मुनाजिर भाई। तो ठीक है दोस्तों, ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद भाइयों।